वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एक अच्छे मैनेजमेंट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, इन सब चीज़ों को आज के वीडियो में समझेंगे। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं महेंद्र कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज एस के जान मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो क्या होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स एक मैनेजमेंट का? तो सबसे पहले होना चाहिए गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। मैनेजमेंट का एक गोल होना ही चाहिए। अगर मैनेजमेंट आपने सेट किया तो ऐसे नहीं सिर्फ ऑर्डर देने के लिए, नहीं, वो एक गोल होना चाहिए उसके पास। इट अचीव्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जिस भी रीजन से आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, इंडस्ट्री बनाया है, उसको पाना उसका गोल होना चाहिए, ठीक है। थ्रू कोऑर्डिनेशन ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द पर्सनल, जितने भी लोग हैं उसके कोऑर्डिनेशन से उसके उसको मैनेज करके सभी को एक दूसरे पर तालमेल बैठा के आपका मैनेजमेंट उस गोल को प्राप्त करने की कोशिश करे, ठीक है। ऐसा नहीं कि वर्कर से डेली लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो क्या गोल प्राप्त करेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स? मैनेजमेंट वर्क्स एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की तरह मैनेजमेंट काम करता है। कैटलिस्ट आप जानते हो, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता पर रिएक्शन के रेट को बढ़ा और घटा सकता है, यही मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट खुद ही काम नहीं करता है पर कैटलिस्ट की तरह वो काम करने की दर को बढ़ा या घटा सकता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट वर्क्स एज कैटलिस्ट टू प्रोवाइड गुड्स यूजिंग लेबर मटेरियल्स एंड कैपिटल। तो जिस प्रकार से केमिकल रिएक्शन में आपका प्रोडक्ट्स बनता है उसी प्रकार से यहाँ भी गुड्स बनते हैं, वस्तुएं बनती हैं, आपके आपका जो कंपनी है, आपका जो भी है ऑर्गेनाइजेशन, उसमें वस्तुएं बनती हैं या फिर कोई भी सर्विस आप देते हैं, इसमें वो क्या कर सकता है, उसमें वो कैटलिस्ट का काम करता है। और कैटलिस्ट का काम करता है यूजिंग लेबर मटेरियल एंड कैपिटल की मदद से वो गुड्स को और बेहतर बनाना और अच्छा बनाना और जल्दी बनाना और ज़्यादा प्रोडक्शन करना, ये सारा काम देखता कौन है? मैनेजमेंट, ठीक है। वो लेबर से, मटेरियल से और कैपिटल, कैपिटल मतलब पैसा, पैसा से वो इन सब चीज़ों को मैनेज करता है, ठीक है। नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या करता है भाई? तो मैनेजमेंट क्या होना चाहिए? तो मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंप्राइजिंग फंक्शंस सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट में क्या क्या होना चाहिए भाई? तो क्या क्या प्रोसेस कर सकता है वो? उसको प्लानिंग करना है, ऑर्गेनाइजिंग करना है, स्टाफिंग करना है, स्टाफों को मैनेज करना है, स्टाफिंग जगह लाता है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारा काम किसका है? मैनेजमेंट का है। तो मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इसके अलावा मैनेजमेंट रिप्रेजेंट्स अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, अ हायरार्की ऑफ कमांड्स एंड कंट्रोल। मैनेजर्स एट डिफरेंट लेवल्स पोसेस वैरिंग डिग्री ऑफ अथॉरिटी। तो मैनेजमेंट क्या करता है? तो मैनेजमेंट रिप्रेजेंट्स अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, उस अथॉरिटी का ही एक सिस्टम होता है, ठीक है। हायरार्की ऑफ कमांड्स, उसमें भी लेबल बने होते हैं, एक हायरार्की बना होता है पूरा कि किसके बाद किसका ऑर्डर है, किसका बाद उस कौन किसको ऑर्डर देगा, ये इसको देगा। ऐसे थोड़ा ना कि ऊपर वाले जाके स्टाफ को बोलने जाएगा, नहीं, एक हायरार्की बना होता है, ठीक है, कि कौन किससे काम करवाएगा, ठीक है, कौन किसको पर नज़र रखेगा, ठीक है। जैसे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, फिर धीरे धीरे नीचे आया DM तक आता है प्रोसेस, ठीक है। उसी प्रकार से मैनेजमेंट में भी एक हायरार्की बना रहता है। मैनेजमेंट इज अ यूनिफ्लाइंग फोर्स, इट इज इंटीग्रेट ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज टू अचीविंग द डिजायर ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट क्या है भाई? तो ये एक यूनिफ्लाइंग फोर्स है जो इंटीग्रेट करता है सारे लोगों को, जितने भी लोग उसमें काम करें उसको इंटीग्रेट करता है, जोड़ कर रखता है और अदर रिसोर्स को भी जोड़ कर रखता है। किस लिए भाई? तो पाना है उसको, अचीव करना है डिजायर ऑब्जेक्टिव, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको पाना है, ठीक है। मैनेजमेंट हार्मोनाइज द इंडिविजुअल्स गोल्स विथ द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स टू मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। किसी प्रकार की झगड़ा ना हो, विवाद ना हो और ऑर्गेनाइजेशन आपका ढंग से चलता रहे, ये सारा काम को कौन देखता है? मैनेजमेंट देखता है, ठीक है। किसी के बीच भी पंगा वंगा ना हो तो सारा काम को मैनेजमेंट देखता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। मैनेजमेंट एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इट ग्रू टेकिंग द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज इंजीनियरिंग, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ऑपरेशन रिसर्च, ये सारा का सारा काम मैनेजमेंट का है। मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, ठीक है। आपको देखो ऑपरेशन रिसर्च भी पढ़ते हो आप लोग, ऑपरेशन रिसर्च में क्या कर पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है। ऑपरेशन रिसर्च में भाई
कौन से मशीन पर कब जाना चाहिए ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल सारा चीज़ आप ऑपरेशन रिसर्च में पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है। ऑपरेशन रिसर्च में ये पढ़ते हैं कि किस किस ब्रांच से आपके किस डिवीजन से कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, कहाँ से अगर माल भेजना है तो कौन से फैक्ट्री से आप कहाँ पर माल भेजोगे, ये सारा सारा कहाँ डिसाइड करता है ऑपरेशन रिसर्च में, ठीक है। कौन सा प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप कुछ कुछ कंस्टेंट है आपके पास तो कौन सा, अगर मान लेते हैं कि मटेरियल कंस्टेंट है और इस प्रोडक्ट को बनाने पे इतना फायदा हो रहा है, इस प्रोडक्ट को बनाने पे इतना खर्च फायदा हो रहा है, पर खर्चा इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, तो कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट किस क्वांटिटी बनाना चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ये सारा सारा ऑपरेशन रिसर्च से पता लगता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ मैनेजमेंट को ही देखना है, ठीक, कि कितना प्रोडक्शन उसको करवाना है। एंथ्रोपोलॉजी, ये सारा चीज़ उसके पास गुण होना चाहिए। सोशियोलॉजी, समाज के साथ कैसे तालमेल बिठाना है, कैसे लोगों के दिमाग को समझना है, कैसे उसकी भावनाओं को समझना है, भावनाओं का कदर करना है, आपको ये सोचना है क्या हम बोलेंगे तो उसको बुरा लग जाएगा, इस सारा का सारा चीज़ आपको समझना है। तो सोशियोलॉजी समझना चाहिए पड़ेगा आपको, साइकोलॉजी आपको आना चाहिए, इंजीनियरिंग भी आनी चाहिए, तब जाके आप मैनेजमेंट का एक बंदा बनता है, ठीक है। आपको इंजीनियरिंग का कुछ टर्म आता नहीं, आपने ऑर्डर दे दिया कि बताओ आकाश बना दो यहीं पर, ग्रेविटेशन हटा दो यहाँ पर, कुछ भी ऐसा ऑर्डर दे सकते हैं क्योंकि इंजीनियरिंग का आपके पास कोई नॉलेज ही नहीं है। तो आप देखो मैनेजमेंट अगर कर रहे हैं आप तो सब किसी भी सब्जेक्ट पे आपको डीप नॉलेज जरूरत नहीं है, वो इंजीनियर को चाहिए कि एक सब्जेक्ट पर उसको डीप नॉलेज चाहिए। मैनेजमेंट वालों को चाहिए कि हर किसी का हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए ताकि वो हर चीज़ों को समझ सके कि क्या हो रहा है। इंजीनियर को आके बोला कि सर ये काम नहीं हो सकता, ये सब इंजीनियरिंग जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जो नहीं हो सकता है, ठीक है, तो वो समझ ले, ऐसा नहीं कि उसका जबरदस्ती कर तुम काम चोरी कर रहे हो, तुम करना नहीं चाह रहे हो, ऐसा ना करने लगे वो, इससे इंजीनियर लोग भड़क जाएंगे, ठीक है, कहेंगे कि हो नहीं सकता, इसे कुछ बुझाता है नहीं और ये ऑर्डर दे रहा है हमको, कुछ आता जाता है नहीं ऑर्डर दे रहा है, पर उसको ये नहीं पता है कि आपके पास कितनी सारी चीज़ें आता है आपको, आपको साइकोलॉजी उसकी समझ में आती है, आपको सोशियोलॉजी समझ में आती है, आपको एंथ्रोपोलॉजी समझ में आती है, आपको ऑपरेशन रिसर्च पता है, इतनी सारी चीज़ें पता है तब जाके आप मैनेजमेंट में बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम मालिक हैं तो सबको ऑर्डर दे रहे हैं, नहीं, तब फिर मैनेजर रखने की जरूरत क्यों पड़ती है, अरे हर कोई अपनी कंपनी में मैनेजर रखता है कि नहीं, MBA कर किए हुए सब मैनेजर को रखता है, क्यों रखता है, अगर इतना आसान होता तो मैनेजर को रखने की क्या जरूरत थी। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर, जो मैनेजमेंट होता है यूनिवर्सल होता है कैरेक्टर में, ठीक है। द प्रिंसिपल्स एंड द टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिकली एप्लीकेबल्स इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, आर्मी, हॉस्पिटल्स, etc. तो मैनेजमेंट हर जगह होता है, हर जगह लगता है, पर यूनिवर्सल है ये, और हर जगह मैनेजमेंट का एक ही प्रोसेस है, एक ही फंडा, एक ही प्रकार होता है। हाँ, अलग बात है कि आपका जो बिजनेस है उस स्पेशल बिजनेस में कौन सा फंडा फिट होगा, ठीक है। मैनेजमेंट जो देखो मैनेजर वैसा ही होगा, वो MBA करके ही जाएगा मैनेजर, ठीक है। देखो जैसे कि इंजीनियर है तो इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का अलग इंजीनियर होगा, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का अलग इंजीनियर होगा, लेकिन मैनेजमेंट वाले के लिए ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट वाला हर जगह एक ही बंदा सब जगह जाएगा, लेकिन वो उस कंपनी को उसको समझने के लिए जो प्रोसेस है उसको समझने में उसको थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है उसमें थोड़ा सा उसको समय लगने वाला है, ठीक है। लेकिन है ये मैनेजमेंट यूनिवर्सल जो हर जगह काम करता है, हर जगह एक ही प्रकार का काम करता है, ठीक है। जैसे कोई भी फील्ड हो, चाहे बिजनेस का फील्ड हो, इंडस्ट्री का फील्ड हो, गवर्नमेंट का फील्ड हो, आर्मी का फील्ड हो, या हॉस्पिटल में जो मैनेजमेंट लेवल फिट होता है वहाँ पर इसी प्रकार से काम होता है, ठीक है। तो ये है इसके मूल कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैनेजमेंट का होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैनेजमेंट स्किल को समझने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, कोई सवाल आपके दिमाग में उठ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, अगले वीडियो में जाके हम लोग मैनेजमेंट स्किल को और डिटेल में समझेंगे, क्योंकि इसमें मैं अगर उसको डिस्कस करूँगा तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो इस वीडियो को मैं थोड़ा सा छोटा रखता हूँ और यहीं पर मैं इस वीडियो को रैपअप करता हूँ, बंद करता हूँ, ख़त्म करता हूँ, ठीक है। आप लोग मुझसे इसी प्रकार से जुड़े रहिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ऐसे ऐसे वीडियो आपको छोटे छोटे मिलते रहेंगे ताकि आप अपने लाइफ में और अपने बिजनेस में इंप्रूवमेंट करते रहिए, तरक्की करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।